हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टंबल गाइस वीडियो। तो आ चुके हम लोग एक और गेम प्ले के साथ विद द रेड नेम गाइस। लेकिन यार इन लोगों ने पिंग अभी तक ठीक नहीं किया, कि अभी भी 90 के अबव ही आ रही है यार पिंग। इस सर्वर को तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यार, मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा। एक तो कोई भी इंडियन है नहीं इसमें, मैं अकेला इंडियन हूँ जो इस सर्वर पे खेल रहा है, इंडियन सर्वर में ही, और मेरे साथ ही मुझे लग रहा है ये दिक्कत हो रही है। अब पता नहीं लोग साथ होती भी है कि नहीं होती यार, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गाइस। आपको भी मालूम होगा जब पिंग नहीं आती तो क्या क्या होता है। देखो ऐसी चीज़ें होती है, समझ नहीं आता कहाँ से जाए कहाँ से नहीं जाए, और कैसे तैसे तो आ ही गया हूँ मैं, लेकिन बाद में यार बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और सेकेंड राउंड आ चुका है हमारा रॉयल रंबल, नहीं सॉरी रॉकेट रंबल। तो रॉकेट रंबल आ चुका है गाइस, और इसमें अब रेड नेम भी आ चुका है। तो बस आपको तो मालूम ही क्या होने वाला है, टीम वाले ही अपन को मारने वाले हैं। लेकिन यार ये लोग ठीक लग रहे हैं यार, मतलब इंडियन सर्वर से काफ़ी सही है ये लोग, मतलब मेरे को नहीं मार रहे, पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं तो इन लोग के बगल में से जा रहा हूँ और तो भी ये लोग नहीं मार रहे यार, ये तो बहुत सही चीज़ है, मतलब इन लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये भी सही है, ये लोग ब्राज़ील के हैं तो इनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा मेरे से। और एक आध बंदा हाय बोल रहा है मलूसो वाइटी, तो इसको तो भाई इसको तो मैं जानता हूँ। तो सही है गाइस, सामने भी तगड़ा कंपटीशन आ रहा है, पहली बार ऐसा लग रहा है रियल में रॉकेट रंबल खेला जा रहा है, क्योंकि सामने से भी लोग मार रहे हैं, हम लोग भी मार रहे हैं, लेकिन जीत कौन रहा है, जीत कोई भी नहीं रहा है। अभी ड्रॉ हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी करके जीतना ही पड़ेगा गाइस, इसको बाहर फेंकना पड़ेगा। एक तो बाहर गिर ही नहीं रहा है यार, सब इसी को मार रहे हैं हम लोग, लेकिन गिर ही नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ इस पर टाइम वेस्ट क्यों करेगा, यहीं और ही चलते, क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट करेंगे ना, चलो ये तो गया। वैसे एक बंदे पे ना ज़्यादा देर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बाकी फ्लैग छीन लेते यार वो लोग, मतलब मालूम ही नहीं चलता कब फ्लैग चले गए सारे। ऐसे देखो यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर एक बंदा और आ रहा है, ये तो क्या ही रॉकेट वेस्ट किया इसने, इसको बाहर फेंक दिया, बहुत ही बढ़िया। नीचे से दो लोग और आ रहे हैं, सात, अरे यार 7-3 का स्कोर चल रहा है यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं। और 40 सेकंड बचे गाइस, यही से हमें कमबैक मारना पड़ेगा। तो ये देखो राइट में सारे येल्लो हो रहे, एक काम करते जितने भी येल्लो हो रहे जहाँ पे कोई नहीं है ना उनको जाके ब्लू करा जाए पहले। तो चालू यहाँ से करते, ये बंदा गया गाइस, दो बंदे मैंने नीचे फेंक दिए हैं, और ये वाला फ्लैग लेना था, अरे यार ये यहाँ खड़ो गया। और ये बहुत ही सही टेक्निक है यार, वैसे भाई ये बहुत सही चीज़ कर रहा था लौंडा, पता है ये क्या कर रहा था, ये ना बस वेट कर रहा था इसके टीममेट्स के आने का, और ये लड़ नहीं रहा था, क्योंकि अगर ये रॉकेट मारता है तो खुद भी गिरता, इसलिए इसने बहुत सही चीज़ करी। इसको हम दिमाग में रखेंगे और अगली बार से यही करेंगे गाइस। लेकिन अभी हमें कमबैक मारना है, और 5-6 से कमबैक मार लिया है, बस ड्रॉ नहीं हो जाए यार, अरे ड्रॉ कर दिया इन लोगों ने। अब एक्स्ट्रा टाइम में जाने वाला है गाइस मैच, ये फ्लैग मुझे नहीं छोड़ना था, अरे मेरे बंदे ने ले लिया शायद से, वही फ्लैग से जीतेगा जो भी जीतेगा। और किसका खड़ा हुआ फ्लैग गाइस, कौन जीता यार, हम लोग जीत चुके लेकिन फ्लैग कौन सा खड़ा हुआ था ये तो मैंने देखा ही नहीं। और आज का पहला फिनाले है सुपर स्लाइड, लेकिन ऐसी पिंग में कोई कैसे खेलेगा यार, और ये रॉड भी सही नहीं जा रही यार, मुझे तो इस मुर्गे की तरह जाना था यार। मैं ना इस वीडियो को बाद में एक बार फिर देखूंगा कि मुर्गा जानबूझ के लेटा है भाई, जानबूझ के लेटा है ताकि इसको रॉड नहीं पड़े, तो ये मुझे बाद में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था यहाँ से कैसे निकले, मुर्गे ने सिखा दिया है। लेकिन अब गाइस अब एक ही तरीका है जीतने का, अगर मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक सक्सेसफुली हो जाती है ना तो ही जीत पाएंगे हम लोग, लेकिन ये लोग ने ट्रिक नहीं करी गाइस, यही मौका है। अब बस मुझे बिना फेल के करनी है, या तो ये डू है या तो ये डाई है गाइस, करना ही पड़ेगा। आगे तो निकल गया हूँ मैं, ये पंखा कुछ सही नहीं लग रहा यार, कोने से जाना पड़ेगा। और हम लोग आ चुके हैं गाइस, पहला मैच जीत गए हम लोग। तो दूसरे मैच में आ चुके हैं हम लोग, जो कि है हमारा जंगल रोल गाइस। तो जंगल रोल में आ चुके हैं, और इसमें तो मुझे मालूम है कि कोई ना कोई नहीं तो बहुत सारे लोग लात मारने वाले, लेकिन अभी मैं तब भी नहीं मार रहा हूँ, बस मुझे यही देखना था कि कितने नूबड़ हैं इसमें, क्या मैं इनको छोड़ के सही कर रहा हूँ क्या, बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा था गाइस। मुझे ना इन लोग को लात मारनी ही पड़ेगी तभी ये लोग सुधरेंगे, अभी तो लेकिन कोई दिक्कत है ही नहीं, अपन सबसे आगे चल रहे गाइस। और ये ट्रिक यार हुई नहीं थी पिछली बार, आज देखते होती है कि नहीं, आज भी नहीं हुई यार, क्या गलत कर रहा हूँ गाइस मैं, कुछ तो गलत कर रहा हूँ, या तो ये पिंक के कारण हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिंक के कारण ना जंप सही नहीं जाती, क्योंकि जंप कंट्रोल में रहती नहीं है मेरे, तो हो सकता है यही कारण हो, क्योंकि पहले तो हो जाती थी अब नहीं हो रही है जब से पिंक हाई जा रहा है, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये फाइनल में आएगा ना तब हमें दिक्कतें दे सकती है ये वाली ट्रिक, पिछली बार जैसी दी थी। तो स्पेस रेस आ चुका है सेकंड राउंड, और इतनी दूर से शायद ही मैं ऑब्स्टिकल में मुंह मार पाऊँ, भाई नहीं लगा मुंह, और ये उल्टा उल्टा घूम रहा है गाइस, क्या ही फनी सीन था, पूरा उल्टा हो गया था मेरा बंदा, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो लेट हो गए ना, तो एस्टेरॉयड जो है वो यहीं कहीं आ रहा होगा, ये आ रहा है,
तो मैं इसके पीछे से चलता हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी ये आगे वाला एस्टेरॉयड जरूर पड़ेगा मुझमें, लेकिन तब भी मुझे जाना पड़ेगा यार, वरना लेट भी हो सकते। वैसे ज़्यादा लेट तो होऊंगा नहीं, शायद से मैं फर्स्ट पे हूँ और इसने इतनी ऊपर फेंका है ना कि आज अपन इस वाली साइड से चलते। ये साइड मतलब बनाई ही क्यों है, इस साइड का कोई यूज़ है क्या गाइस? कोई मतलब आधा घंटा लगा के कोई यहाँ से क्यों ही जाएगा? और यहाँ से मैं उधर से जा सकता हूँ क्या? नहीं यार छोड़ो, अभी यहीं से चलते। वैसे जा तो सकता था, इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं। अभी बीच वाले में से चलते क्योंकि हम तीन ही लोग आए हैं अभी तक। राइट वाली साइड आया ये, तो ये राउंड भी हमारा बहुत ही आराम से क्वालिफाई हो गया। बस अब फाइनल देखना है फाइनल में क्या ही आता है। और ब्लॉक डैश आ चुका है गाइस, और आज मैंने ना इतने महीनों बाद वीडियो देखी है स्टम्बल गाइस की, तो मुझे सही में लगा है ना कि ब्लॉक डैश में ना अपन को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। मतलब अपन को ना ट्रिक्स आती ही नहीं है, ट्रिक्स ही नहीं आती यार ब्लॉक डैश में बिल्कुल भी। तो आप लोग को जितनी भी ट्रिक्स आती है ना ब्लॉक डैश की, सारी कमेंट कर देना, अब अपन ब्लॉक डैश को परफेक्ट करके ही मानेंगे गाइस, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक है जो अपन को मालूम ही नहीं ऐसी एग्जिस्ट भी करती है। इसलिए आप ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। और एक नूमर है यार, ये दिक्कतें करने वाला है क्योंकि ये फाइनल है, तो इससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। मतलब मैंने जो जो ट्रिक्स देखी थी ना गाइस, लोग यहीं से कूद जा रहे थे यार, मतलब यहाँ से अगले ऑब्स्टेकल तक कूद जा रहे थे। मैं तो आसपास भी नहीं पहुँच रहा हूँ, लेकिन ये पॉसिबल कैसे, मतलब ये समझ नहीं आया मुझे। तो ये सब सीखना पड़ेगा, ये कार्टे वाली ट्रिक भी सीखनी पड़ेगी, वो चकते कैसे हैं, बहुत कुछ सीखना है अभी। लोग कर तो रहते यार, खतरनाक तो खेल रहे थे, बस ब्लॉक डैश ही है जिसकी हमें ट्रिक नहीं आती मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये सीख जाएंगे ना तो हम भी उस लेवल पर आ सकते हैं गाइस, लेकिन अभी तो देखते यार क्या मैं कर पाता हूँ कि नहीं। वो कांटे वाली ट्रिक तो सबसे पहले सीखनी पड़ेगी जिससे कूदते हैं, और वो इतनी मुश्किल है भी नहीं, लेकिन उसके लिए ना कांटे तक पहुँचना पड़ता है। जब तक मैं मोड़ता हूँ कांटा ना बहुत पीछे निकल जाता है। जैसे अभी आए आइए, अभी देखो मैं ये यहीं पर टकरा गया, मैं अब क्या ही ट्रिक करूँगा, अब मैं जल्दी से ना इस निंजा के पीछे जाता हूँ वरना जीत जाएगा। ये क्या ही हो रहा है, और दोनों नीचे गिर गए, और क्या हुआ, हार गए गाइस, हार गए हैं अपन। तो तीसरे गेम में आ चुके हम हमारे आज के, और पहला राउंड आया है आईसी हाइट्स, और आज से यार सारे राउंड लगा रहे तो सबकी प्रैक्टिस हो जा रही है। और इस ट्रिक का तो पता नहीं क्या ही हो गया, आजकल होती नहीं है, आधी होती है, सिर्फ आधा जाता है उसके बाद नहीं होती। मुझे लग रहा है ना लेफ्ट साइड से हो जाती है, जब भी मैं करता हूँ ना तो अब लेफ्ट साइड से ही करूँगा, क्योंकि राइट साइड वाला पता नहीं हो ही नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं टेढ़ा कर दिया? नहीं यार, मैं भी कुछ भी सोचता हूँ, ऐसा नहीं होगा, कुछ और कारण होगा। अभी तो मैं जाता हूँ, और मुझे क्यों लग रहा है मैं इससे पहले पहुँच जाऊँगा? हाँ यार, इससे पहले ही पहुँच गया। और सेकेंड राउंड आया है स्पिन गो राउंड, लेकिन लॉबी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो गलती नहीं करनी हमें, एक गलती और हम लोग बाहर, तो इसलिए आराम से जाएंगे गाइस। देखा, गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे के लिए हुई है, आगे ही फेंका गया है, बस यहाँ से जाते जाना है, कोई लात घूसे नहीं चलाएगा। ये सब तो लेफ्ट से निकल जाएंगे, अपन राइट से चले जाएंगे, और राइट से आ जाएंगे बिल्कुल ही आराम से। ये लोग थोड़ा सा आगे, लेकिन तब भी मैं आराम से पहुँच जाऊँगा गाइस, गलती नहीं करनी। ये भी हो गया, और आ गए हम लोग। चलो गाइस, अब थर्ड राउंड देखते क्या आता है। फिर से ब्लॉक डैश आ गया गाइस, एक बार अपन हार चुके हैं, लेकिन दूसरी बार नहीं हारना है। दूसरी बार कुछ भी हो जाए, अपन ने जो गलती करी थी उसे सीखना है गाइस, हारना नहीं है अपन को। तो आज तो मुझे जीतना ही है ब्लॉक डैश में, चाहे लोग कितने भी ट्रिक कर लेना, जीतना ही है। नूबर भी कितने भी हो, इन लोग को बाहर करके मैं जीतूंगा। अभी क्या करना है इसका प्लान बना लेते गाइस। पहले तो ना ये वाली ट्रिक सीख लेते, देखो यहाँ से जाते फिर ऐसे, ओके ये मुझे मालूम नहीं था, आज ही देखी थी मैंने वीडियो में। और देखते कौन सी ट्रिक हम कर सकते हैं। एक तो इसको तोड़ते कैसे यार, लोग तोड़ भी ऐसा रहे थे कि सीधा ऊपर ही खड़े हो जा रहे थे, लेकिन मैं तोड़ता हूँ तो आगे ही निकल जाता हूँ तोड़ के। तो ये भी सीखना पड़ेगा, या तो किसी और को तोड़ने देते हैं फिर खड़े हो सकते हैं, ये कर सकते हैं अपन, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता तोड़ के वहीं खड़े हुआ जा सकता है। अब ये बॉडी नहीं मार दे मुर्गा, इस मुर्गे से मुझे थोड़ा खतरा लग रहा है यार, ये बॉडी मार सकता है, और लग भी गई थी थोड़ी सी शेफ की, मतलब हल्की सी लगी नहीं थी, मैं नीचे गिर गया था यार। तो इन लोगों से थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा, लेकिन कोने में जाओगे ना तो कांटे का डर है। चलो अब तो अपने पास किक है गाइस, ऐसी जगह से तो अपन आराम से निकल सकते हैं, तो केक से तो निकल जाऊंगा, लेकिन अब आ जाते हैं अपन बीच में, क्योंकि अब आने वाले कांटे, और कांटे में अगर मैं टकराया तो बीच में रहूंगा ना तो चांस भी है, कोने में रहूंगा तो कोई चांस नहीं रहेगा बचने का। इधर दो क्रैक टाइल्स मुझे दिख रही, यहीं पे दिख रही थी, और इधर भी वहीं पे, तो ऊपर वाली जगह से निकल सकते। भाई ये लोग कहाँ चले गए, 2/7 एलिमिनेटेड लिखा है, ग्लिच हो गया क्या? अरे क्या भीड़ मचा के आया, मुझे लग रहा है सबके सब नीचे गिर गए थे और फिर गायब हो गए यार, ये लोग कहाँ चल जा रहे हैं बीच बीच में, मेरा ग्लिच हो जा रहा है क्या, क्योंकि पिंग भी है ये, हो सकता है। और ये देखो अचानक से 2 से 6 हो गए गाइस, मुझे तो लग रहा है कुछ तो हो रहा है इन लोग के साथ, या तो इन सबकी पिंग एक साथ जा रही है और मैं जीत गया हूँ।
ये हो सकता है कि ये सब लोग अलग सर्वर वाले हों, तो इनका एक साथ गया हो नेट और मेरा अकेले का चल रहा था, ये हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब कर देना, और अगर मेरे स्टंबल गाइस का पिछला गेम प्ले देखना है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देख लो दबा के।